फेसबुक हम हिंदुस्तान की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये एफटीपी। हम बिना किताब खोले तो रह सकते हैं, पर बिना फेसबुक खोले शायद जवाब आपके पास आए। अरे ये प्रिया के घर में भीड़ कैसी? प्रिया एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लड़की थी। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। अब प्रिया का बर्ताव बदल सा गया। अब वो अपने इस जिंदगी में एक वर्चुअल दुनिया बनाने जा रही थी जहां सब कुछ काल्पनिक था। अब उसका मन पढ़ाई पे नहीं, कहीं और था। हेलो, हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पता, एफबी पे नया अकाउंट बनाया, बस चैट कर रहे थे यार। ओ नाइस, ओके बाय। ओके बाय। कर क्या रही हो? फेसबुक, नया अकाउंट बनाया मैंने। कभी ये प्रिया का पढ़ाई का वक्त हुआ करता था। दोनों पर है फेसबुक। प्रिया के लिए अब फेसबुक ही उसकी जिंदगी बन चुका था। Nothing much, you say? Just thinking about you. Thinking about me? Really? But why? तुम्हें तो पता होना चाहिए। सेल पे बात? अरे ऑनलाइन तक तो ठीक है, लेकिन सेल पे?
नखरे क्यों, नंबर दे दी तो यार। गुस्सा मत हो यार, ठीक है लो नंबर, लो अब खुश। Okay, I will call you. प्रिया अपने इस अनजान नादानी से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थी। हेलो, कौन? यस, आर यू रवि? Yeah, it's Ravi. प्रिया के लाइफ में अब फेसबुक का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। हेलो, वेयर आर यू यार? कहाँ थे तुम इतने दिन? इतना बार हम तुमको मैसेज कर रहे थे, नहीं रहा जा रहा दूर। यू डोंट अंडरस्टैंड। तो चलो मेरे साथ। आखिरकार ये भाग ही गए, पर पिक्चर अभी बाकी है। इन चंद महीनों में प्रिया को वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था। काम की बात कर, लड़की कैसी है? बहुत अच्छा, ठीक है, मेरे गोडाउन में लेके आना। प्रिया के साथ हुए इस हादसे के बाद उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है और वो इस भ्रम से निकलकर अपने परिवार के पास वापस आ जाती है, पर इस हादसे से उसे गहरा सदमा पहुंचता है। परिवार वालों के प्रोत्साहन और दोस्तों की मदद से वो इस सदमे से बाहर तो निकल आती है, पर कहीं न कहीं अब भी उस सदमे ने उसके जीवन में गहरा छाप छोड़ दिया है। फेसबुक हमें अपनों से जोड़ के रखती है,
आज की पीढ़ी से भ्रमित होकर जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले खुद ही ले लेती है, जो अक्सर ही गलत होते हैं। प्रिया तो इससे बच गई, ऐसा इतने खुश नसीब। अब आपके हाथ में है, आप इसे देखा।